कि इस तहरीक को गैर कानूनी क्यों करार दिया गया, करदम क्यों करार दिया गया, न इस बारे में अब तक हुकूमत अपनी पोजीशन वाजह कर सकी है सिवाय कुछ बयानबाजियों के, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकी है। ये चीज़ें गैर जमहूरी अमल है मुल्क के अंदर, और किसी तरह भी इस तरह के इज्तिमाआत पर तशद्दुद करना और गोलियां चलाना, तो हम ना इसकी हिमायत तो दूर की बात, हम इसके पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं उनके वरसा के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं, जो ज़ख्मी हैं हम उनसे भी हमदर्दी का इजहार करते हैं और उनकी जल्द सेहत याबी की हम दुआ करते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम इस जर्गे के हवाले से इस बात को वाज़ह करना चाहती है कि सूबा खैबर पश्तूनख्वा के लोग हों या मुल्क में जो भी पश्तून बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों और उनका ताल्लुक़ अगर जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ हैं तो उनको उसमें शिरकत की पूरी इजाज़त है, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, लोग उसमें शरीक होना चाहते हैं